हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली। फाइनली दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रियलमी नर्जो EN55 के फ़ोन में जो तीनों नीचे नेविगेशन बटन शो होते हैं इनको आप चेंज करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, या आप अपने फ़ोन में साइड बैक बटन अप्लाई करना चाहते हैं, आप दोनों साइड से स्लाइड करके बैक आना चाहते हैं, तो यह सेटिंग करना चाहते हैं तो पूरी मैं आपको नेविगेशन सेटिंग बताने वाला हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को कन्वेंस टूल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग कन्वेंस टूल के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नेविगेशन बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। नेविगेशन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर है स्वाइप जेस्टर फ्रॉम बोथ साइड, इस पर क्लिक कर देते हैं तो साइड बैक बटन आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको वर्चुअल बटन अप्लाई करना है और बैक बटन को चेंज करना है या हाइड करना है तो उसके लिए आपको वर्चुअल बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दो टाइप की वर्चुअल बटन देखने को मिलेंगी, एक तो है आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप राइट साइड से क्लिक करके बैक आ सकते हैं, सेकंड वाली पे क्लिक कर देंगे तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके बैक आ सकते हैं। और हाइड करना है तो ऑटो हाइड वर्चुअल बटन को ऑन करना है, ऑन करते ही आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक बिंदी दिखाई देगी, इस बिंदी पर आप लोग क्लिक कर देंगे तुरंत ऑटोमेटिक ये वर्चुअल बटन तीनों जो नीचे शो हो रही हैं ये हाइड हो जाएंगी। जब इनका यूज करना रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे बटन शो होंगी और जैसे आप इनका यूज कर लेंगे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगी।